चंदोसी मानव अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा पहरी चंदोसी नगर के तत्वावधान में आजाद रोड पर संस्था के कैंप कार्यालय में होली मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। सांस्कृतिक नृत्य होली गीत के द्वारा कलाकारों ने प्रस्तुति की। श्रोता होली समारोह में झूमते नजर आ रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज रहा था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुलाबो देवी विधायक व रामपाल सिंह इंचार्ज रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, विशेष अतिथि शुभम सिंह, कार्यक्रम संयोजक राम बाबू गुप्ता, यह शंकर दुबे ने संचालन किया। विधायक गुलाबो देवी ने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो भारतीय संस्कृति को जीवंत रखता है। होली का रंग जीवन के हर पहलुओं में खुलकर समर सत्ता तथा खुशहाली, उमंग एवं मौज मस्ती का माहौल उत्पन्न करता है। कार्यक्रम के संयोजक राम बाबू गुप्ता, संस्था के राजकीय महासचिव ने कहा, हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे। देखिए, मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा प्रहरी राष्ट्र के लिए समर्पित मानवाधिकार संरक्षण के लिए संगठन है। होली का एक पावन त्यौहार जो जोश, उल्लास और एकता का प्रतीक है। आज हमने चंदौसी और साथ ही साथ बरेली इकाई को मिलाकर होली मिलन समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी और भाई डॉक्टर अमरीक सिंह जी और बहुत इनके साथी जो यहाँ पर आए, उन्होंने शपथ ग्रहण की और साथ ही साथ होली का पावन कार्यक्रम आज आयोजित किया। राम बाबू गुप्ता और सामलिया, आज आपने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया है अपने यहाँ, क्या कहेंगे? आज मानव अधिकार एवं सुरक्षा पहरी का होली मिलन समारोह चल रहा है और मानव अधिकार के सभी पदकारियों का स्वागत किया गया और बच्चों द्वारा डांस करके समा बांधा गया और सब लोगों का, बुजुर्गों का और जितने पदकारी थे सबका हमने हार्दिक अभिनंदन करा और सबका मान सम्मान रखा। आगे भी हम करते रहेंगे और सबकी समाज की सेवा करते रहेंगे। आज होली समारोह कार्यक्रम किया गया, क्या? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये त्यौहार इतना पवित्र त्यौहार है कि इसमें भक्तों की जीत हुई है। भगवान ने बहुत बड़ी लाज रखी है भक्त प्रहलाद की। तो यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हुआ है मानवाधिकार के अंतर्गत, तो ये बहुत ही एक अनोखा और अनुपम कार्यक्रम हुआ। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि हर वर्ष इसी प्रकार से प्रेरणाप्रद कार्यक्रम ये करते रहें, जिससे समाज के लिए एक नई चेतना मिले।